dear students today we are going to study about diode clipper circuits uh, this is one of the important topics of electronics engineering that is emerging domain in electronics engineering uh, comes under first year electronics aktu syllabus and my name is hari mohan rai and today we will we'll complete this diode clipper circuits types of clipper circuits and uh, how we can draw the output waveforms

तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज क्लिपर सॉकट क्लिपर सर्किट सबसे पहले जाने को रिमूव कुछ पोर्शन को रिमूव करता है फॉर एग्जाम्पल कि uh, ये यहाँ से ऊपर के पोर्शन को रिमूव कर दिया तो ये आपका जो गिवेन पोर्शन है ये बन गया आपका क्लिप्ड वेब यानी कि आउटपुट वेब उसी तरीके से अगर आपने इस तरीके से किया और ये रिमेनिंग पोर्शन इसको हमने रिमूव कर दिया तो हमारा जो रिमूव करता है, करता है। example, नीचे के पूरे को कर दिया, तो सिर्फ जो आपको आउटपुट में बचा वो ये वाला पोर्शन बचा तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोवाइड शेप बाई क्लिप ऑफ क्लिप ऑफ एक वर्ड है जिसको का मतलब हो गया रिमूव करना और रिमूव द पोर्शन ऑफ द इनपुट एसी वेव फॉर्म विदाउटिंग द आउटपुट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट तो यानी कि डाउट क्लिप ऑफ सर्किट हो गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है डिवाइस है जो कि वेवफॉर्म्स को कुछ पोर्शंस को क्लिप ऑफ करता है एसी इनपुट वेवफॉर्म्स को ठीक है यानी कि इसमें एसी इनपुट लगा जाते हैं अब क्लिपर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन ये ये क्या करता है ये kind of है डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेटर भी यानी कि अब अगर हम कुछ इसको क्लिप करें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेव फॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जैसे रेक्टेंगुलर रेक्टेगुलर वेबोजल स्क्वायर वेबीस मेनली अपने सिलेबस के हिसाब से जो हमें क्लिपर सर्किट पढ़नी है वो कंटेन करेगा सेमी कनेक्टेड डायोड एंड लोड लोडिस्टर बैटरी यानी कि डीसी सप्लाई भी हम यूज करेंगे लेकिन ओनली इन केस ऑफ इनकेसड क्लिपर ओके okay. सो so, अगर हम क्लासिफाई करें कि कितने टाइप्स के क्लिपर्स होते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं मेनली क्लिपर के टाइप्स क्लिपर को मेन तीन टाइप में डिवाइड करते हैं बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सीरीज पैरेलल यानी कि शंट एंड कॉम्बिनेशनल जहां पे कि अगर हम सीरीज को डिवाइड करें या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं कि अनबायस्ड ये हो गया बायस्ड और कॉम्बिनेशनल अब अनबयास के फिर टाइप हो जाते हैं सीरीज एंड शंट बयास किस फिर सीरीज एंड शंट बट इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि सीरीज क्लिपर शंट क्लिपर अब सीरीज में भी होगा अनबायास्ट एंड बयास एंड पैरेलल शंट में भी होगा अनबायास्ट एंड बयास और इन सब के भी डिपेंडिंग ऑफ ये जो हमने ये किया है ये डिपेंडिंग अपॉन डायोड एप्लीकेशन अगर डायोड दा, को हम जिस तरीके से लगाएंगे उसके हिसाब से ये सीरीज एंड शंट कहलाएगा और बयास एंड अनबायास डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी अगर बैटरी हम यानी कि एक्सटर्नल डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो कहलाएगा और नहीं यूज कर रहे हैं तो कहलाएगा लाएगा व्हाट अबाउट पॉजिटिव एंड ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा यानी कि पॉजिटिव पोर्शन अगर क्लिप होता है यानी कि अपर पोर्शन क्लिप होता है तो कहलाएगा पॉजिटिव क्लिपर और अगर निगेटिव रिमूव होता है क्लिप होता है तो कहलाएगा लाएगा निगेटिव क्लिपर तो वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे पहले काम करते हैं हम इसको डिफाइन कर देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर को जैसे व्हाट इज अनबास्ट यानी कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अपलाइड टू द क्लिपर सर्किट देन इट इज कॉल्ड अनब

आ, न, एक लेबल के अपर पोर्शन को क्लिप करते हैं तो कहलाता है पॉजिटिव क्लिपर और अगर उससे नीचे के को करते हैं, तो कहलाता है नेगेटिव क्लिपर, कि या तो, तो कहलाता है यूज करते हैं अगर डायवर्ट जो कनेक्ट करते हैं हम लोग और वो सीरीज में है विद लोड और इनपुट असिस्टेंस के साथ में तो कहलाएगा सीरीज क्लिपर और अगर वो शंट यानी कि पैरेलल में है इनपुट या लोड के साथ तो कल शंट क्लिपर तो ये बेसिक एक ये है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस वन आई विल आई विल टेल यू लेटर बिकॉज़ दिस इज द ट्रिक टू ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ क्लिपर सर्किट बट उसके पहले हम लोग वन बाय वन पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिक वाले मेथड से में हम लोग इसको देखेंगे तो पहले एक स्टार्ट करते हैं हम लोग अनबायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर ठीक है

तो दोनों में से किसी को भी पहले और बाद में लगा सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने स्टार्ट किया यानी कि लेस देन जीरो से जब हम लेस देन जीरो करेंगे यानी कि यहाँ पे माइनस और प्लस करेंगे देख सकते हैं माइनस एंड प्लस तो क्या होगा माइनस के एप्लीकेशन के साथ वजह से माइनस एंड माइनस डायवर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे और डायवर्ट विल भी है शॉर्ट सर्किट है ना यानी कि डायउड विल बी एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट और इस केस में अगर हम मैं केवियर लगाऊं या ये करूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा वी इनपुट के बराबर यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे सप्लाई नेगेटिव सप्लाई दिया है आउटपुट एज इट इज मुझे उतना ही मिल गया अब अगर हम पॉजिटिव साइकिल देखें तो पॉजिटिव साइकिल के, के केस में क्या हुआ अगर डायवर्ड इस केस में हो गया रिवर्स बायस क्योंकि पॉजिटिव लगाया आपने यहाँ पे अगर प्लस कर दिया तो प्लस एंड माइनस डायोड को रिवर्स बायस कर देंगे और इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट ओपन सर्किट है जैसे ओपन सर्किट हुआ देन आउटपुट में हमें क्योंकि यहां पे break हो गया इनपुट वेब फॉर्म है जो कि मान लेते हैं कि प्लस टेन से माइनस टेन के बीच में गिवन है और ये हाफ साइकिल अब अगर देखें कि नेगेटिव साइकिल में जहां नेगेटिव साइकिल में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वही मुझे आउटपुट मिल रहा है

Bias and bias upon the और के से करेगा तो जब हमने यहाँ पे दिया देख सकते हैं तो प्लस जो है डायविड को क्या करेगा प्लस एंड प्लस डायवोड को फोर्ट बायस बना देगा और जब फोर्ट बैस बना तो आउटपुट क्या मिलेगा आउटपुट एज इट इज इनपुट के बराबर यानी कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं वही हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट मिलेगा क्लियर है तो डायवर्ट तो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में और ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा और आउटपुट क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया इसमें करंट हमें कुछ भी नहीं मिलेगी जीरो मिलेगी तो हमें आउटपुट क्या हो गया जीरो सो okay? so, यहाँ पे देखिए इनपुट ये है आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल एज इट नेगेटिव साइकिल जीरो इस तरीके से अनबायस पॉजिटिव शंट क्लिपर एंड क्लिपर तो जब हम शंट में जाएंगे मतलब डायोड जो हो जाएगा वो अब कि शंट में लग जाएगा तो जैसे ही आपने पैरेलल या शंट में आपने लगाया तो अब क्या होगा इस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते हैं तो डायोड

अब इस केस में चले जब हमने निगेटिव किया तो ये क्या हो गया ओपन सर्किट यहाँ पे अब ओपन सर्किट हुआ तो क्या हुआ अब करंट जो है किसमें फ्लो होगी यहाँ पे करंट फ्लो होगी इस लूप में करंट फ्लो होगी बाहरी वाले लूप में अब बाहर वाले लूप में अगर करेंट फ्लो होगी तो अगर हम के वी लगाते हैं तो आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा माई वी इनपुट के बराबर यानी कि निगेटिव जो इनपुट मैं दे रहा हूँ वही एज इट इज आउटपुट मिल रहा है तो पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट जो मैंने हमें क्या मिला जीरो जीरो से हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या मिला मिला हमें एज इट यानी कि जो भी हमने नेगेटिव इनपुट दिया था तो नेगेटिव इनपुट के बराबर तो और इसी का जस्ट अगर हम डायोड को रिवर्ट कर डायोड को अपोजिट कर दें तो हमें अपोजिट आउटपुट मिलेगा यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाऊंगा प्लस एंड माइनस डायोड को क्या करेंगे रिवर्स बायस और इसकी वजह से हमें क्या होगा आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर मिल जाएगा यानी कि करंट बाहर वाली सर्किट में फ्लो होगा यानी कि आउटर लूप में और नेगेटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा करंट इसी में फ्लो हो जाएगा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी यानी कि इसमें आई जीरो तो जीरो मिलेगा यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मुझे एज इट इज मिला निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट जीरो मिला कौन सा पोर्सन क्लिप हुआ इसका यानी कि रिमूव हुआ निगेटिव पोर्सन इसलिए कहलाया निगेटिव क्लिपर शंट क्यों कहलाया क्योंकि डायवर्ट हमारा शंट में पैलर में लगा हुआ इनपुट के साथ में वी आर गोइंग टू क्लिपर अब हम बायासिंग की तरफ देखेंगे तो बयास्ड सीरीज क्लिपर हम यहाँ पे पॉजिटिव uh, नहीं रखा हमने क्योंकि positive, negative, output के ऊपर करेगा। हियर तो बयास्ड सीरीज क्लिपर में सबसे पहले देखेंगे बयास का मतलब यानी यहाँ पे हमने बैटरी एक अप्लाई कर दिया है ये जो है एक बैटरी लगी हुई है द डायोड uh, और डायोड कहां है सीरीज में है इसलिए सीरीज का लाया series है सीरीज में

इनपुट जो है वो ग्रेटर से ज्यादा कि कि अगर आप अप्लाई करोगे होगा होगा और और से छोटा किसी भी वोल्टेज के लिए होगा, यानि कि जो बनेगी बनेगी वो तो अब यही कंडीशन अगर कहीं समझ में नहीं आया तो रफ में आप इसको कर सकते हैं कि अब इस कंडीशन में जो वोल्टेज है

तो का जो मुझे आउटपुट जो है यानी कि इसका आउटपुट मिला के अब रिवर्स करते तो क्या होगा ये डायवर्ट ओपन हो जाएगा यानी कि रिवर्स बायस और रिवर्स का मतलब ओपन सर्किट जब ओपन हो गया तो आउटपुट जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होती तो मुझे जीरो मिलता लेकिन बैटरी की वजह से आउटपुट मिलेगा मुझे और बैटरी की वजह से आउटपुट कितना मिलेगा तो ये आउटपुट जो है वो पांच वोल्ट के बराबर मिला तो इनपुट तो के बराबर कंडीशन पहले इनपुट दे दिया हमने और ये पांच वोल्ट की कंडीशन है तो ये पोर्शन ये पोर्शन पांच से बड़ा वाला पोर्शन है और रिमेनिंग पोर्शन पांच से छोटा का पोर्शन है ठीक है तो जहां पांच से बड़ा पोर्शन है ये यहां से लेके यहां तक आउटपुट इनपुट के बराबर मिल रहा है कि आउटपुट मुझे मिल गया इनपुट के बराबर और से छोटा था ये से यहां से के यहां तक ये, exactly तो कि? ये, कि तो ये किसके अंडर में आ जाएगा निगेटिव क्लिपर के अंदर यानी कि अनबाया सीरीज निगेटिव क्लिपर पॉइंट यानी कि जितने वोल्ट की बैटरी लगेगी उस वोल्ट से बड़ा

तो तो इस केस में क्या हो गया? Diode का voltage यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, because हमने उसके हिसाब से रख दिया है। so, की minus, की plus है, है, ऊपर ऊपर की 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 तरफ 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 नीचे नीचे भी सेम वर्किंग होगी बस अंतर क्या होगा अब मैं डायवर्ड को बना के दिखाता हूँ यहाँ पे ये डायवोर्ड के निगेटिव डायरेक्शन माइनस पे माइनस पांच वोल्ट की बैटरी लगी है माइनस पांच वोल्ट ओके तो अब अगर आपने अगर आपने यहाँ पे क्या सप्लाई देंगे ताकि बैस होगा तो माइनस पांच सेवन वोल्ट रखा तो डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में तो यही हमने किया है कि डायवर्ट अगर माइनस ग्रेटर देन माइनस फाइव है तो फोर्ड बयास में होगा और आउटपुट मि, हमें मिलेगा इनपुट के बराबर और अगर लेस देन 5 volt हुआ तो ट हो जाएगा ओपन रिवर्स और आउटपुट जो है वो पांच वोल्ट के बराबर मिलेगा तो let us see here. This is the waveform. ये हो गई पांच से छोटा uh, ये है और -5 से बड़ा पोर्शन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो जहाँ माइनस पांच से छोटा था माइनस पांच से छोटा वहां पे आउटपुट मुझे क्या मिला पांच के बराबर माइनस पांच के बराबर मतलब जो भी इनपुट आपने लगा रखा है माइनस पांच तो यहाँ भी माइनस पांच मिलेगा तो ये मिल गया आपका 5 के बराबर और जितना बड़ा पोर्शन था माइनस पांच से वो एज इट इज इनपुट यानी कि इनपुट जैसे जैसे वेरी कर रहा वैसे वैसे वैरी करेगा तो ये पोर्शन जो बड़ा पोर्शन था माइनस पांच से उसके लिए आउटपुट इज इज्कवल टू इनपुट और जो यहां से यहां तक का पोर्शन जो छोटा था आउटपुट इज इज्कवल टू माइनस पांच वोल्ट यानी कि कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ निगेटिव पोर्शन यहां भी माइनस पांच से नीचे का पोर्शन रिमूव हुआ तो कहलाएगा निगेटिव क्लीप क्लियर है इसी तरीके से आप शंट के लिए भी देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पे दे रखे हैं नाउ आई एम गोइंग टू डू अब ये तो हमने पढ़ लिया डिटेल में हमें लिखना कैसे है। ये जो हमने अभी पढ़ा वो थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों केसेस में आपका काम आएगा यानी कि अगर आपको सॉल्व करना है तब भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो और थ्योरी लिखनी है तब भी ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट वन द ट्रिक टू ड्रॉ द आउटपुट वे फॉर्म डायरेक्ट मतलब okay? मतलब एक मेथ अपलाई कर रहे हैं जिसको आपको सर्किट को देखना है उसमें अपलाई करना है और उसका आउटपुट ऑफ वेव फॉर्म आपको मिल जाएगा तो जैसे पहला स्टेप पहले सबसे पहले चेक दैटरी पोलिटी यानी कि जो जनरली हम लोग बयास के लिए यूज करेंगे अनब्यास में भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अनबाश का भी मैं चेक करा के दिखा दूंगा आप लोगों को तो बैटरी प्लर्टी कैसे चेक करते हैं लोअर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ तो नीचे से ऊपर की तरफ देखा हमने माइनस और प्लस तो बाद में क्या आ रहा है ऊपर की तरफ प्लस तो कितने वोल्ट की हो गई प्लस टू वोल्ट की और अगर फिर से हमने प्लस एंड माइनस किया यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है सबसे ऊपर की तरफ क्या है माइनस तो कितना हो गया माइनस तीन वोल्ट का यानी कि बैटरी चेक करने का तरीका यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम हम बैटरी चेक करेंगे दूसरा ये पहला स्टेप हो गया बैटरी चेक कर लिया आपने नाउ चेक द डायोड डायरेक्शन सर्किट में डायोड कनेक्टेड है अब डायोड को हमें क्या करना जिससे डायोड कनेक्टेड है जिस भी पॉइंट से उसको हमने नोड बोल दिया दिस इज नोड और दिस इज नोड यानी कि जिस भी पॉइंट से जिस भी सर्किट से जिस भी नेटवर्क से डायोड कनेक्टेड है उसके उस पॉइंट को हमने नोड बोला तो अब हमें क्या चेक करना है अगर नोड से डायोड का नेगेटिव यानी कि एन टाइप सबसे पहले कनेक्टेड है एन टाइप तो क्या होगा निगेटिव पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा क्लिप हो जाएगा और अगर नोड से इस नोड से पॉजिटिव पोर्शन कनेक्टेड यानी कि बी कनेक्टेड है तो अपर पोर्शन रिमूव हो जाएगा बिल्कुल सिंपल फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर नोड से डायोड का नेगेटिव कनेक्टेड है नेगेटिव पोर्शन कनेक्टेड है तो क्या होगा लोअर पोर्शन कनेक्ट हो जाए मतलब रिमूव हो जाएगा कहां से किसके लोअर पोर्शन बैटरी से लोअर का यानी कि जो डीसी सप्लाई लगाया हुआ है उससे नीचे का पोर्शन रिमूव हो जाएगा और अगर आपने डायोड का पॉजिटिव कनेक्टेड है डायोड का पॉजिटिव इस नोड से कनेक्टेड है सबसे पहले प्लस एंड इन नोड आ रहा है इसका मतलब अपर पोर्शन और अगर निगेटिव पहले आ रहा है तो इसका मतलब लोअर पोर्शन किससे लोअर किससे अपर तो जितने वोल्ट की बैटरी लगी होगी उस बैटरी से अपर एंड उस बैटरी से लोअर लेट अस सी हियर हियर एग्जांपल आई विल जस्ट चेक इट आउट वन वन बाय यहां पे तो बैटरी जीरो है यानी कि आप देखेंगे जीरो वोल्ट से ऊपर एंड जीरो वोल्ट से नीचे तो सबसे पहले चेक किया हमने नोड इस नोड से सबसे पहले क्या आ रहा है प्लस प्लस आ रहा है यानी कि नोड से डाउड का पॉजिटिव कनेक्टेड है यानी कि पी कनेक्टेड है तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो जाएगा रिमूव हो जाएगा देखिए पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइकिल रिमूव हो गई और निगेटिव साइकिल बच गई क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी है इसलिए या तो पॉजिटिव पूरी साइकिल क्लिप होगी या निगेटिव साइकिल क्लिप होगी यहां भी चेक करते हैं ये यहां से क्या है निगेटिव कनेक्टेड है इस नोड से ये नोड से डायोड का निगेटिव कनेक्टेड है तो क्या होगा साइकिल क्लिप हो जाएगी वेरी सिंपल नेक्स्ट में देखते हैं ये नोड नोड है है इस से डायोड का प्लस यानी कि पी कनेक्टेड इसका मतलब अपर पोर्शन कितने से अपर का पोर्शन क्योंकि जीरो वोल्ट है अनबायस्ड है इसका मतलब जीरो से ऊपर का पोर्शन क्लिप हो जाएगा यानी कि जीरो से ऊपर का पोर्शन यानी कि पूरी साइकिल जो है पॉजिटिव साइकिल रिमूव हो गई सिमिलरली नेक्स्ट में नेगेटिव की तरफ आते हैं अब इस नोड से हम देखते हैं माइनस यानी कि नेगेटिव कनेक्टेड है नोड से है ना तो जब नेगेटिव कनेक्टेड है इस नोड से इसका मतलब क्या है लोअर पोर्शन कहां से लोअर का पोर्शन जीरो से जीरो से लोअर पोर्शन यानी कि नेगेटिव साइकिल जो है कंप्लीटली क्लिप हो गई अब सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बायस क्लिपर में अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है बैटरी चेक करने का तो चलिए बैटरी चेक करते हैं बैटरी माइनस से प्लस यानी कितनी हो गई प्लस फाइव वोल्ट की बैटरी लग गई

सिर्फ अपर पोर्शन बचेगा दिस पोर्शन बचेगा कहां तक पूरी कंप्लीट साइकिल तक ठीक है नेक्स्ट क्लिक चेक इट आउट अब यहां पे देखिए कितना वोल्ट है ये प्लस से माइनस यानी कि सबसे पहले बैटरी चेक किया माइनस फाइव वोल्ट यानी कि अब हम जो इनपुट वेव फॉर्म है वहां पे माइनस फाइव पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया हमने अब चेक करेंगे कि माइनस फाइव से अपर पोर्शन क्लिप होगा रिमूव होगा या लोअर पोर्शन क्लिप होगा तो नोड पे आते हैं यहाँ पे देखते हैं डायोड जिस नोड से कनेक्टेड है इस नोड से अब इस से चेक किए तो डायोड का का नेगेटिव कनेक्टेड है यानी यानी कि कि माइनस नीचे पोर्शन क्लिप हो जाएगा तो माइनस पांच से पोर्शन हमने क्या कर दिया क्लिप कर दिया क्या बचा सिर्फ और सिर्फ अपर पोर्शन बचा ये इस तरीके से तो ये देखिए यहाँ पे ये अपर पोर्शन बचा लोअर पोर्शन क्लिप हो गया सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर वन अब ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है या दे रखा है वो एग्जाम्पल जो है वो एक स्पेशल एक केस का है बिकॉज यहाँ पे डायोड सीरीज में कनेक्टेड तो है लेकिन बैटरी भी सीरीज में कनेक्टेड है तो जब बैटरी यहाँ सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो हमारा जो आउटपुट जो होता है वो केवीएल की तरह वी इन तरफ के बराबर हो जाएगा यानी कि आउटपुट वी इन या इसको कह सकते हैं कि दो स्टेप में सॉल्व करेंगे पहला स्टेप जो अभी तक हम लोग ट्रिक के हिसाब से करते आए हैं और सेकंड स्टेप मैं अभी बताने वाला हूँ तो सबसे पहले पहले स्टेप में क्या करते हैं बैटरी चेक करते हैं तो बैटरी चेक किया हमने नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि इस तरीके से तो प्लस से माइनस कितने वोल्ट की बैटरी हो गई माइनस फाइव वोल्ट की तो यहाँ पे हमने माइनस फाइव वोल्ट पे क्या किया बैटरी लाइन ड्रॉ डॉटर लाइन ड्रॉ कर दिया अब यहाँ पे दो केस बनेगा माइनस पांच से ऊपर का पोर्शन क्लिप होगा या माइनस पांच से नीचे का पोर्शन क्लिप होगा तो आ गए हम इस नोड पे और इस नोड से हमने चेक किया तो सबसे पहला क्या है माइनस आ रहा है यानी कि माइनस पांच से नीचे का पोर्शन क्लिप हो गया

जीरो होगा वो कितना हो जाएगा पांच और ये जो लास्ट मैक्सिमम था वो कितना हो जाएगा फिफ्टीन यानी कि आपको क्या करना है कि जितना सारे स्टेप वही अप्लाई करना है लेकिन आपको जहां पे ये रिमूव होगी यानी कि जहां से ये कट होगा जिस भी या अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन उस पॉइंट को उस लाइन को आपको जीरो बना देना है क्यों करना है ऐसा बिकॉज इस केस में देखिए ये एक तरीके से अनबायास की तरह बिहेव करेगा यानी कि इस लाइन पे पैरल में कोई भी बैटरी नहीं है तो इसका मतलब है कि एक साइड में हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा जीरो मिलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा वी इनपुट के साथ ये सीरीज में है तो या तो अगर नेगेटिव बैटरी है तो ऐड हो जाएगी और पॉजिटिव है तो हो जाएगी बट पॉइंट इसी वजह से ये हमें स्टेप अप्लाई कर रहा, तो रहा है बिकॉज हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं इसी वजह से डायरेक्टली हमने इस तरीके से किया नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए यहां भी वही मेथड है लेकिन यहाँ पे क्या है बैटरी पॉजिटिव है यानी कि प्लस फाइव वोल्ट ठीक है तो पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने पांच वोल्ट से ऊपर का क्लिप होगा या नीचे देख लिया हमने तो हमने देखा कि पांच वोल्ट से नीचे का पोर्शन ये क्लिप हो गया क्या बचा पांच से ऊपर का पोर्शन बचा ये यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन बचा अब इस पोर्शन को क्या कीजिए जीरो पे शिफ्ट कर यानी कि यहां पे वी इन माइनस फाइव यानी सब में से फाइव सब कर दीजिए ये भी फाइव ये भी फाइव क्या हो जाएगा ये लाइन बन जाएगी जीरो और सबसे ऊपर की लाइन क्या बन जाएगी फाइव ये कैसे आया से एक छोटा सा केवीएल से वी इन और प्लस माइनस कि फाइव ठीक है या दूसरा तरीका सिंपल वर्ड में इस लाइन को जीरो कर दीजिए तो जीरो बन जाएगा जीरो और ये बन जाएगा पांच ठीक है इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां भी देखिए स्केप में यहां भी हमें माइनस पांच वोल्ट है माइनस पांच से पहला वोल्ट की बैटरी होगी गई माइनस पांच पांच से पो, अपर पोर्शन क्लिप होगा या लोअर पोर्शन क्लिप होगा चलिए चेक करते हैं तो माइनस पांच से नोट से चेक किया प्लस कि हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाए? क्लिप हो जाएगा क्या बचेगा पांच इसमें ऐड कर देना पड़ेगा है ना यानी कि ये फाइव अगर माइनस फाइव में पांच पांच ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जीरो और इसमें भी प्लस फाइव एड करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस फाइव तो क्या तक हो जाएगा जीरो से लेके माइनस फाइव तक क्लियर है नेक्स्ट स्टेप अब यहां देखिए अब यहां भी बैटरी कहां पे है इस डायरेक्शन में लेकिन हमारा डायोड कहां पे है शंट में तो बैटरी चेक करने का तरीका इस तरीके से हमने चेक किया तो बैटरी कितनी होगी प्लस से माइनस यानी कि माइनस फाइव वोल्ट की ओके अब नोड से नोड से हमने चेक किया डायोड कहां पे है शंट में शंट में लगा पैरेलल में है तो शंट का पहला पॉजिटिव पोर्शन कनेक्टेड है यानी कि अपर पोर्शन माइनस पांच से अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा क्या बचेगा लोअर पोर्शन ये लेकिन सेकंड क्योंकि बैटरी जो है मैंने बताया स्पेशल केस के लिए या इस केस के लिए जब बैटरी यहां पे सीरीज में है तो क्या हो जाएगा हमें यानी कि आउटपुट में इस बैटरी को क्या करना है इस इस लाइन को जीरो बना देना माइनस पांच को तो क्या करना पड़ेगा प्लस पांच इधर भी प्लस पांच क्या हो गया ये जीरो और ये हो जाएगा माइनस पांच यानी कि जीरो से माइनस पांच के बीच में ये बैटरी करेगा सिमिलर अब यहां पे क्या यहां से बैटरी रिमूव हो गई बैटरी कहां आ गई शंट में में तो जब सेंट में बैटरी पैरेलल में आएगी तो फिर मुझे लेबल प्रोवाइड करती है तो अब देखिए माइनस या प्लस क्या होगा प्लस फाइव वोल्ट तो प्लस फाइव वोल्ट की लाइन ये ड्रॉ कर दिया हमने डॉटेड लाइन से अब या तो प्लस फाइव से अपर पोर्शन क्लिप होगा या लोअर पोर्शन क्लिप होगा तो चेक करते हैं नोड अब इस नोड से डाउट का क्या कनेक्टेड है सबसे पहले माइनस यानी कि लोअर पोर्शन ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा क्या बचेगा सिर्फ ये अपर पोर्शन बचेगा ये देखिए यहाँ पे तो ये यहां पे क्या करना है अब हमें सेकेंड स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है जो रिमूव हो गया एज इट इज वहीं पे छोड़ देना है तो फिर हमें जीरो पे कहां पे शिफ्ट करना होता है जहां पे बैटरी जो है वो शंट में लग के सीरीज में लग जाए ओके तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स में अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कितने वोल्ट की बैटरी है माइनस वोल्ट की अब इस नोड से यानी कि सबसे पहले नोड से कौन सा पोर्शन कनेक्टेड है निगेटिव तो माइनस पांच से नीचे का पोर्शन क्लिप हो जाएगा तो देखिए, ये ये लाइन होनी चाहिए माइनस पांच की ये माइनस पांच तो माइनस पांच वोल्ट से नीचे का पोर्शन क्लिप हो गया आउटपुट क्या मिला सिर्फ और सिर्फ ये मिला है वो देखने वाले हैं कंबिनेशनल क्लिपर का एग्जाम्पल तो कंबिनेशनल क्लिपर में आ, क्या होता है दो डायोड कनेक्टेड हो जाते हैं और दो बैटरी जनरली जनरल केसेस में यानी कि कम्बिनेशनल क्लिपर इज कम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स एंड टू डीसी वोल्टेजेस यानी कि बैटरी इट इज यूज फॉर क्लिपिंग द पॉजिटिव यानी कि अपर एज वेल एज लोअर अब इसमें क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको भी तो सबसे पहले फर्स्ट बैटरी चेक करेंगे पहले वाली बैटरी पहले वाली बैटरी कितनी है माइनस से प्लस यानी कि प्लस फाइव वोल्ट ठीक है तो प्लस फाइव वोल्ट और ये हमारा हुआ नोड अब प्लस इस नोड से सबसे पहले क्या कनेक्टेड है इसका डायोड का पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस से से ये देखिए अपर पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा यानी यानी कि कि ये हट जाएगा यानि कि क्या बचेगा ये बचेगा अब फिर सेकेंड स्टेप में चलेंगे तो स्टेप में क्या होगा कि अब बैटरी चेक करेंगे तो प्लस से माइनस यानी कितने वोल्ट की बैटरी सेकेंड जो बैटरी है माइनस फाइव वोल्ट की है अब सेकेंड नोड की तरफ जाते हैं ये सेकेंड नोड

ومن टाइप्स ऑफ क्लिपर इसके बाद हमने उसको कैसे सॉल्व करना है एंड देन आफ्टर हमने उसको ये किया कि कितने कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से बिना अलग से केसीएल के या कोई भी मेथड लगाए हुए कैसे इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे तो ये ये देखने के बाद या ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्लिपर के क्वेश्चन है क्लिपर सर्किट के वो इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थैंक यू